सब्सक्राइब कीजिए हमारे हिंदुस्तान की आवाज़ यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आपको हमारे वीडियो का लेटेस्ट अपडेट मिल सके जो कि बिल्कुल मुफ्त है। बहनों और बुजुर्गों, वैसे तो हमारे बड़े भाई एलडी यादव जी और हमारे ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष नासिर गौहर खान साहब के बोलने के बाद बोलने के लिए कुछ बचता नहीं है, लेकिन जब यहाँ तक मैं आया हूँ तो मैं भी आप लोगों से बातचीत करना चाहता हूँ। मैं आपको 5 साल पीछे लेके चलना चाहता हूँ। यही चुनाव का समय था, यही वक्त था, तब एक जादूगर आया और उसने कहा कि मैं अच्छे दिन लेकर आऊंगा, आप मुझे और दीजिए, मैं अच्छे दिन लेकर आऊंगा। और दूसरा उसने क्या स्लोगन दिया, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार बीजेपी सरकार। तो मेरे भाई और बहनों, क्या आज महंगाई नहीं है? 350 रुपए में मिलने वाला गैस का बाटला आज 900 से 1000 रुपए में मिल रहा है, तो ये क्या महंगाई कम हो गई? तो 1000 करोड़ लोगों को, युवाओं को रोजगार देने का वादा किया था, क्या लोगों को रोजगार मिल गया? हाँ, और हमारे जो नौजवान सीख रहे हैं, एजुकेशन ले रहे हैं, उनको कहा जाता है कि भैया पकौड़े तलो पकौड़े, तो क्या आज हम अपने बच्चों को जो पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, तो काहे के लिए लिखा रहे भाई? गरीब से गरीब अगर कोई व्यक्ति, अगर वो मोची का काम करता है, चप्पल सीने का काम करता है, तो वो भी चाहता है कि मेरा बच्चा डॉक्टर बने, मेरा बच्चा इंजीनियर बने, मेरा बच्चा बड़ा उद्योगपति बने। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि भैया पढ़ाई लिखाई करने के बाद पकौड़े तलो, चौकीदार बनो। अरे जब देश की जनता इनको घड़ी घड़ी कहने लगी कि पहरेदार चोर है, पहरेदार चोर है, इन्होंने कहा भैया चोरी का माल तो हमने अकेले नहीं खाया है, चल भैया तू भी बोल कि मैं भी पहरेदार, तू भी बोल मैं भी पहरेदार। अरे 5 साल में अगर आपने विकास की गंगा बहाई है तो हर बच्चा बोलना चाहिए मैं भी डॉक्टर, आई एम डॉक्टर, आई एम इंजीनियर। अरे मैं भी पहरेदार का क्या मतलब है भाई? हम हमारे बच्चों को लाखों रुपया खर्चा करके अच्छे से अच्छा। और दूसरी बात मैं बताना चाहता हूँ, समय कम है, ये बताना चाहता हूँ कि अगर यहाँ का उम्मीदवार, यहाँ का सांसद अगर लायकदार होता तो उसको बीजेपी फिर से टिकट देती। वो निकम्मा और नालायक था, उसने कुछ काम नहीं किया, इसके लिए मजबूरन बीजेपी को भी अपना उम्मीदवार बदलना पड़ा। आज बीजेपी ने 10वीं पास उम्मीदवार को आप लोगों के बीच भेजी है, जबकि संजय पाटिल का घराना, उसकी मां 4 बार नगर सेविका, उसका बाप विधायक, संजय पाटिल खुद विधायक रहा और सांसद होते हुए उन्होंने हमेशा जनता का काम किया है। तो आप किसे चुनोगे? जो झूठे वादा करता है वो, आप उसके वादे पे कैसा भरोसा करोगे, या जो सच्चा वादा करता है वो? बस मैं 2 बात बताना चाहता हूँ, आने वाली 29 तारीख को घड़ी के निशान पर बटन दबाकर देश के विकास के लिए राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाए और संजय पाटिल को सांसद बनाए, यह आपका और हमारा सच्चा विकास करेगा, झूठे वादे नहीं, हम काम करके दिखाएंगे। इसी के साथ 72,000 रुपए उनको, या तो उनको सरकारी नौकरी मिलेगी या तो 72,000 रुपए उनके अकाउंट में आएगा, और बंबई वासियों के लिए 500 स्क्वायर फीट का मकान दिया जाएगा। और हमारे राहुल गांधी ने जो कहा वो 3 राज्यों में 10 दिन के अंदर अंदर कर दिखाया। उन्होंने कहा था किसान का कर्जा माफ होगा, तुरंत माफ हुआ। हम झूठे वादे नहीं करते हैं, हम काम करते हैं, इसीलिए हमने देश पर 60 साल राज किया है। अरे तुमने 5 साल में इतने झूठे वादे किए, क्या तुम विकास की बात नहीं करते हो? तुम सिर्फ
झूठे जुमले करते हो, तुम सिर्फ सैनिकों का अपमान करते हो। आज हमारा जो सैनिक देश के लिए शहीद हो गया करकरे, आज उसके बारे में तुम्हारी उस साध्वी क्या क्या बोलती है कि मेरे श्राप से मरा है। अरे अगर तेरा इतना श्राप लगता है तो पाकिस्तान के सैनिकों पर श्राप दे दे। हमारे देश के जवान आज दिन रात वहां पर मेहनत कर रहे हैं, हमारा देश का जवान जाग रहा है, तब हम सो रहे हैं और तू श्राप की बात करती है। एक आतंकवादी का आरोपी उनकी पार्टी में जाता है तो देशभक्त हो जाता है, और देशभक्त हेमंत करकरे का अपमान करने वाली भारतीय जनता पार्टी आज आप लोगों के बीच में आई है। आप इनको घर में बिठाने का काम करो। आने वाली 29 तारीख को घड़ी के निशान पर बटन दबाकर आप इनको घर भेजिए और संजय पाटिल को बहुमतों से जिताकर साहब का सांसद बनाइए। इसी के साथ मैं आप लोगों का आशीर्वाद लेते हुए, संजय भाव का वोट मांगते हुए मेरे दो शब्द समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय महाराज। सब्सक्राइब कीजिए हमारे हिंदुस्तान की आवाज़ यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आपको हमारे वीडियो का लेटेस्ट अपडेट मिल सके, जो कि बिल्कुल मुफ्त है।